सीरियल साथ निभाना साथिया की कोकिला बहन और गोपी बहू के रसोड़े में कौन था वीडियो वायरल होने के बाद अब शो के मेकर साथ निभाना साथिया 2 को लाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सीरियल की प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा ने इस बात की पुष्टि की और कहा कि साथ निभाना साथिया 2 की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी बीच साथ निभाना साथिया 2 का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। साथ निभाना साथिया 2 का पहला टीजर सोमवार को रिलीज किया गया, जिसमें देवलीना भट्टाचार्य जो कि गोपी बहू के आइकॉनिक रोल में नजर आएंगी, वह नए सीजन के लिए शो में वापस आ गई हैं। बता दें कि इससे पहले गोपी बहू का किरदार जिया मानिक ने निभाया था। सीजन 1 का रैप वीडियो पॉपुलर होने के बाद नए टीजर में भी रसोड़े और कुकर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 30 सेकंड के इस टीजर की शुरुआत गोपी का रोल निभा रही देवलीना के साथ होता है, जो दर्शकों से रूबरू होती हैं। वह कहती हैं कि गहना ने रसोड़े में गैस पर कुकर चढ़ा दिया होगा। इसके बाद गोपी बताती हैं कि गहना उसे कभी कभी सरप्राइज करती है, जो कभी हैरान कर देता है। आखिर में गोपी कहती हैं कि गहना कौन है, इसका खुलासा जल्द ही होगा। हम आपको बता दें, खबरें आ रही हैं कि गहना के किरदार में शायद हम सभी को जन्नत जुबैर नजर आए। जी हाँ, टीवी की काफी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं और इन्हें दर्शक बेहद पसंद करते हैं। पिछले बार राशि ने जितना एंटरटेन किया था, शायद उससे ज्यादा इस बार जन्नत हम सभी को करती नजर आएंगी, पर जन्नत की तरफ से अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। हाल ही में एक सोर्स ने बताया कि साथ निभाना साथिया 2 के लिए मेकर्स की पहली पसंद लीड एक्टर के तौर पर सिद्धार्थ शुक्ला हैं। मेकर्स उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल अभी से बातचीत चल रही है, अगर चीजें सही हुई तो उनके फैंस काफी खुश हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल किसी भी चीज की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, ना ही सिद्धार्थ की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आया है। जब तक प्रोड्यूसर की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं हो जाती, तब तक अभी तक सिर्फ ये बातें हैं कि सिद्धार्थ को इस शो के लिए साइन किया जा रहा है। दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला और देवलीना भट्टाचार्य को एक फ्रेम में देखना हम सभी के लिए काफी एंटरटेनिंग है। बिग बॉस 13 में उन दोनों का रोमांस तो आप सभी को याद ही होगा। आपको बता दें, बिग बॉस 13 के दौरान देवलीना भट्टाचार्य ने इस बात को कई बार स्वीकार किया था कि वह सिद्धार्थ को पसंद करती हैं। वहीं इन दोनों को एक साथ साथ निभाना साथिया में देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे हम ये प्रे करते हैं कि इस शो में देवलीना के साथ सिद्धार्थ नजर आएं।